Welcome to SG Inceptions, your aquarium channel. I am at Karnataka Aquarium, and in today's video we are going to show you the specialty of Karnataka Aquarium, that is reptiles, tortoise and turtles. Here in front of you are three crates jiske andar hai ek se badhkar ek amazing se turtles. We'll get to know further about these turtles from Mr. Sayed Liaqat bhai. Ji Sayed bhai, तो जैसे भाई आप बोल रहे थे हमारी स्पेशलिटी रेप्टाइल ही है, तो अभी आप फिलहाल देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारे जो है टर्टल हैं, टर्टल बेबीज हैं जो इस सीज़न के ब्रीड हुए बच्चे हैं। तो पहले तो मैं कॉमन टर्टल से शुरू करूंगा, बिकॉज यही टर्टल हमारे पास एवरी टाइम अवेलेबल रहता है। सीज़न अनसीज़न में भी ये काफ़ी अच्छा ब्रीड हो जाते हैं, बिकॉज ये रेडियर स्लाइडर जो है ईजी टू ब्रीड है, ईजी टू कीप है। तो रेडियर स्लाइडर हमारे पास अभी का जो प्राइस है 1200 रुपीज़ पेयर, हमारे पास पुराना रेट था लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसका प्राइस हमने बढ़ाया है 200 रुपीज़, अभी 1400 रुपीज़ पेयर है। और ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है ऑल टर्टल्स की, या फिर कोई भी फिशर्स या रेप्टाइल हमारे पास जो भी परचेस करेंगे ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी। इसके सेटअप की सारी एसेसरीज अवेलेबल है, एवरीथिंग अवेलेबल है, जैसे कि इसका यूवीबी लाइट हो गया, बास्किंग एरिया हो गया, इसको टैंक अलग से चाहिए या इसके लिए अलग से फूड चाहिए, और हमारे पास पूरे कंपनी के फूड हैं जो इंडिया में अवेलेबल नहीं रहते वो भी हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास रीफ टर्टल, इसको चाइनीज लॉन्ग टेल टर्टल भी बोला जाता है और रीफ टर्टल भी बोला जाता है। आप इधर देख सकते हैं इसकी खूबसूरती, इधर आप ये स्ट्राइप्स देख सकते हैं इसके, और इसकी जो टेल है ये काफ़ी मतलब बड़ी आती है, ये कंपेयरिंग टू रेडियर स्लाइडर इसकी टेल काफ़ी बड़ी आती है। तो आप इसका पैटर्न देख सकते हैं, इसके हेल्थ कंडीशन वगैरह देख सकते हैं, आप सभी लोग वर्किंग में हैं। तो भाई एज कम्पेयर टू द रेडियर स्लाइडर्स इनकी साइज कितनी बड़ी होती है? भाई सेम रेडियर स्लाइडर जितनी ही बड़ी होती है। और केयर लेवल कैसा होता है? केयर लेवल सेम रेडियर स्लाइडर की तरह ही होता है, लेकिन चाइनीज लॉन्ग टेल जो अभी मैं रीफ टर्टल आपको बता रहा हूँ, ये रीफ टर्टल जो है कंपेयरिंग टू रेडियर स्लाइडर काफ़ी डिफिकल्ट है ब्रीड करना। मेंटेनेंस सेम आएगा आपको, और सेम जैसे रेडियर स्लाइडर को रखते हैं सेम एज इट इज़ रखना पड़ता है। ओके, तो जैसे रेडियर स्लाइडर्स के शेल पर फंगस या वाइट स्पॉट्स आते हैं, इनके ऊपर भी अगर आता है तो कैसे बचाव किया जाए? प्रिवेंशन भाई, तो इनका शेल शाइन बोल के एक ऑयल आता है, उस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, और इनके काफ़ी सारे मेडिसिन आते हैं, हर एक एनिमल के लिए जो है कैल्शियम पाउडर आता है, तो वो सब देने से वो सब बीमारियां जो पहले से आने वाली रहती है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। फिश एक्वेरियम में इनको रख सकते हैं अगर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? फिश एक्वेरियम में भाई फिलहाल इनको तो नहीं रख सकते, मेरे पास एक और टर्टल है जो फिश एक्वेरियम में रख सकते हैं, वन ऑफ द रेयरेस्ट टर्टल है, तो ये डायमंड बैक टर्टल है, इसका नाम ही सुन के आपको आ रहा होगा कि ये डायमंड टर्टल है। ओ यस, इसका नेक तो देखिए, वाओ। तो ये फिशेस के साथ सरवाइव कर लेता है, और ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ये जितना मेरा पाम है उतना ही साइज़ का ये बड़ा होता है। ये तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ भाई मैं, इसका नेक तो एकदम पूरा पैटर्न है पूरे नेक पे, पूरे इसके हाँ भाई जॉस पर, कुछ थोड़ी बहुत पूरे टर्टल का किंग है एक्चुअली में ये। तो काफ़ी ब्यूटीफुल टर्टल माना जाता है, आप इसके लिप्स देख सकते हैं, जैसे इसको मैंने लिपस्टिक लगा के तैयार किया हुआ है वीडियो के लिए, ऐसे लग रहा है। तो ये टर्टल जो है एक्वेरियम पे रख सकते हैं, और सभी फिशेस के साथ जो है ये सर्वाइव कर लेते हैं। काफ़ी सारे वीडियोस में आप भी देखा होगा कि अरवाना के साथ कोई टर्टल है, तो वो टर्टल ये है। और एक और टर्टल आता है पिग्नोस टर्टल, अभी तो फिलहाल मेरे पास नहीं है लेकिन उनके बच्चे होके हैं मेरे पास, उनको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पाम पे लीजिए ताकि मैं इसका शेल दिखा सकूँ। वाओ, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये तो मैं, कितना बड़ा होता है भाई ये? भाई ये जितना मेरा हाथ दिख रहा है ना जी, इतना बड़ा हो जाता है, पाम साइज हो जाता है। हाँ, इसका नाम है डायमंड बैक टर्टल। ओके, क्या प्राइस में आएगा ये? भाई ये सिंगल पीस 65,000 रुपीज़ का आता है। ओके नाइस, वेरी नाइस। सो इसको अगर रखना है, केयर लेवल कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, राइट? सेम है भाई, आप देखिए मैं अरवाना के साथ भी इसको डाल दूंगा तो भी आराम से रह लेगा, अरवाना हो गई या फिर कोई भी मतलब आपकी जितने भी गार फिश हो गई, आप गार भी देख सकते हैं, इसके साथ गार फिश भी है, तो ये 24/7 स्विमिंग भी करेगा, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। जब ऑक्सीजन चाहिए होगा तो ऊपर आके वो खुद ऑक्सीजन लेके फिर से नीचे चले जाएगा, बिकॉज दे आर अंडर वाटर टर्टल हैं, तो आराम से पानी में रह सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना मस्त, अरवाना के साथ भी जो है ये आराम से कंफर्टेबली है, इसको ना डर रहा है ना भाग रहा है, बस अपने स्विमिंग में अपने मस्त में रह रहा है।
जी भाई, तो रीफ टर्टल्स के बारे में फिर से आ जाते हैं। तो रीफ टर्टल जो है काफ़ी ब्यूटीफुल स्पीशी है और रेरेस्ट स्पीशी भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपके चैनल पे सिर्फ मैं ही बताया हूँ, इससे पहले भी लोग बस जो भी बताएं वो रेडियर स्लाइडर ही हैं। और मुझे टर्टल्स में, रेप्टाइल्स में क्या है, नई नई चीज़ लेके आने काफ़ी पसंद लगता है कि लोगों को कुछ ऐसा दिखाऊं कि भाई कुछ अलग लगे, हाँ कि कुछ है सैयद भाई के पास जो देखने लायक है। और वीडियो भी जब क्लिक करेंगे ना तो उनको लगना चाहिए कि हाँ मैं कुछ देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई मूवी देखे हट गए, ऐसा नहीं है। सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए और अच्छे से कमेंट करना चाहिए, ऐसा कुछ स्टॉक लेके आके बताना चाहिए लोगों को। तो रीफ टर्टल का जो प्राइस है मैंने रखा हुआ है 3500 रुपीज़ ईच, और ये होलसेल और रिटेल दोनों में मिल जाएंगे, बिकॉज आई हैव अ मोर क्वांटिटी। जितना आप क्वांटिटी देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, मोर क्वांटिटी है, तो होलसेल रिटेल दोनों मिल जाएंगे, पूरे इंडिया में डिलीवरी हो जाएगी। अगला टर्टल देखते हैं भाई। अगला टर्टल आप देख रहे हैं पूरा यूनिफॉर्म साइज में खड़े हैं, जैसे मिंट्री में खड़े रहते हैं, तो ऐसे मेसेपियन मैप टर्टल है। और ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल टर्टल है, मैप टर्टल, जैसे हमारा इंडियन रूफ टर्टल आता नहीं क्या, एज इट इज़ लाइक इंडियन रूफ टर्टल है। और इसको काटे और थोड़ा थोड़ा बड़े होंगे ये ऊपर वाले और ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल टर्टल है। आप इसका शेल देख सकते हैं और इसका भी नेक काफ़ी ब्यूटीफुल आता है, और जो इसकी आईस आती है वो बिल्कुल वाइट आती है, मिल्क वाइट कलर में आती है, और इसका जो आई का डॉट रहता है ना वो जेट ब्लैक रहता है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल स्पीशी बोला जाता है इसको। तो भाई क्योंकि आपने जिक्र किया रूफ टर्टल का, तो बताना चाहेंगे लोग वाइल्ड से पकड़ के लेके आते हैं रूफ टर्टल, वो इल्लीगल है, इंडियन स्पीशीज पालना उससे बेहतर है कि ये टर्टल ये पाले, सब पालें। देखिए इंडियन स्पीशी पहली बात तो कुछ रखिए मत, टर्टल पालने का मतलब ये नहीं है कि जेल है। काफ़ी सारे लोगों को आज भी अंधविश्वास है, इतने मैं वीडियो पोस्ट करने के बाद भी, कि टर्टल या टॉर्टाइस पालेंगे तो जेल होगी। आप इंडियन स्पीशी मत पालिए, सिर्फ एग्जॉटिक स्पीशी विद डॉक्यूमेंट आप रखेंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा, खुद गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है। भाई हॉबीज के साथ कुछ सेलर्स या फिश शॉप ओनर्स को भी ये डाउट है, जैसे कि आपने कहा कि रख सकते या नहीं रख सकते, उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। तो भाई रोशनी क्या डालना है, एकदम उजाला ही कर देंगे, रोशनी कुछ डालने का है नहीं, क्योंकि जब जो अंधेरे में रहता है उसको बाहर निकालना ही एक उजाला है। तो उन सब के लिए मैं ये बोलता हूँ, जितने भी लोग पहली बात तो कन्फ्यूजन में है, 100% लीगल है तभी गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को अप्रूव हुआ है परिवेश डॉक्यूमेंट। अगर परिवेश डॉक्यूमेंट नहीं रहता उससे पहले आप बता सकते थे और डाउट में रह सकते थे कि लीगल है या फिर इल्लीगल है। जो भी एग्जॉटिक स्पीशी है आप उसको प्रॉपर रजिस्टर करिए, प्रॉपर कंडीशन पे रखिए, ऐसा नहीं कि जितने भी भर लें और उसको एकदम बटन पे रख रहे हैं तो वो लीगल नहीं है। आप उसको प्रॉपर कंडीशन में रखिए, 100% लीगल है। जो भी आउट ऑफ द इंडिया स्पीशी है सब लीगल है, लेकिन अटैकेबल और वनमस लीगल नहीं है। और जो लोग को डराते हैं या फिर हार्म करते हैं, जैसे कि बड़ा वरांगटान हो गया, वो इंसानों को हार्म भी कर सकता है, जब वो एक उसका पंच पड़ेगा ना तो जॉन सीना भूल जाएंगे, उतना डबल ट्रिपल फोर्स में पड़ेगा। तो वैसे सब एनिमल जो हैं वो बैंड है, जो एज अ पेट के तौर पे स्मूथली जो घर पे रह सकते हैं वो सब पेट लीगल है हमारे इंडिया में, और उसको आप प्रॉपर रजिस्टर करा के रख सकते हैं। तो मैं फिर से मेसेपियन मैप टर्टल के बारे में आ जाता हूँ। जो इंडियन रूफ टर्टल मैंने बता रहा था, इंडियन रूफ टर्टल जो आता है वो बैंड है, उसको आप हाथ भी नहीं लगा सकते। अगर उसको हाथ लगा रहे हैं तो साइटिस्ट वन प्लस शेड्यूल वन है, उसके लिए जेल हो सकती है, आपको 7 या 8 साल के लिए जेल हो सकती है, और उसको नॉन अवेलेबल जेल है। तो आप मेसेपियन मैप देख सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल कलर है, और इसके सर पे आप येलो कलर की मार्किंग देख रहे हो, बहुत ही बहुत शानदार आती है भाई। इधर आप देख सकते हैं उसकी सर की मार्किंग, जैसे उसके आंग सर के ऊपर है, ग्लो कर रही है एकदम डार्क कलर में ग्लो कर रही है। और जो इसका प्राइस है वो मिल जाएगा 12,000 रुपीस ईच पीस। और ये भी रेडियल स्लाइडर जितने ग्रो होते हैं? नहीं नहीं भाई, ये ज़्यादातर ग्रो होते हैं। इसका मैं आपको अडल्ट मेल जो है वो बता देता हूँ, सो ही इज़ द अडल्ट मेल। ये आप इसके नेल्स देख सकते हैं एकदम बड़े बड़े, यस, क्लॉज काफ़ी शार्प है इसके। हाँ तो ये हो गया आपका अडल्ट मेल। और मैं देख रहा हूँ भाई इसकी जो एडल्ट वर्जन में इसके जो शेल के ऊपर ये जो पीक है और भी बड़े होते हैं, और बड़े होते हैं। तो वही तो बताया मैं, जैसे जैसे ग्रो होगा तो वैसे वैसे ये जो दांत है वो और थोड़ा बढ़ेगा। मीन्स इट्स ऑलमोस्ट, अभी ये समझिए 1.5 साल का है तो ये अडल्ट हो चुका है। अगर ये जब और थोड़ा इसका मतलब शेडिंग निकालेगा तो और ये बड़ा हो जाएगा और खूबसूरत लगेगा। तो जब ये अडल्ट होगा इतना खूबसूरत लगेगा, और
कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। और इसका जो ये दांत है ये और थोड़ा शेप में आना चाहिए था, मे भी कुछ टेम्परेचर के कारण की वजह से जो है इसके दांत थोड़ा शार्प नहीं हुए हैं। वरना इसके दांत भी जो आते हैं आप इसके बैक शेल पे देख सकते हैं, पूरा कटिंग देखिए आप इधर। ओह यस करेक्ट, बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत लगता है। और इसके जो पिकॉक जैसे जो राउंड राउंड इसके ऊपर जो मार्किंग लगे हैं इसकी खूबसूरती को और बढ़ाता है ये। तो ये अडल्ट है एक्चुअली, ये सेल का नहीं है, ये मेरा पर्सनल मेल है। तो इसी इन सब के ही मैं जो ये बच्चे ब्रीड करता हूँ, इन्हीं सब के मैं बच्चे ब्रीड करता हूँ। क्या प्राइस है भाई इनकी? तो भाई ये 12,000 रुपीस ईच पीस है। काफ़ी अच्छी स्पीस ये है, घर के लिए पेटिंग के लिए काफ़ी अच्छा टर्टल है। जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ आज टर्टल में, जो रीफ टर्टल 3,500 रुपीस में जो बता रहा था, ये भी काफ़ी अच्छी स्पीसी है। और जो 1400 में बता रहा था इसकी तो क्लास ही नहीं है, बिकॉज ये काफ़ी अच्छा सेल होता है। थाउजेंड्स ऑफ क्वांटिटी में ये पर ईयर में आराम से सेल हो जाता है। और ये सभी टर्टल्स जो है इसके बाद भी जो है काफ़ी और स्पीसी मेरे पास ब्रीड होके हैं, लेकिन वो अभी फीड चालू नहीं किए हैं। जब वो फीड चालू करेंगे तब मे बी नेक्स्ट वन मंथ में फिर से मैं एक वीडियो लॉन्च करूँगा आप ही के चैनल पर, तो उस चैनल पर आपको जो है ये टर्टल सब दिखाई पड़ेंगे। सो वी शोड यू 4 स्पीशीज ऑफ टर्टल्स एट कर्नाटका एक्वेरियम। अगर आपको कोई भी टर्टल परचेज करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलॉन्ग विद एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो कॉन्टैक्ट नंबर कर्नाटका एक्वेरियम का प्रोवाइड किया है। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है अलॉन्ग विद द टर्टल। टर्टल की सारी एक्सेसरीज, फूड, यूवीबी लाइट, एनक्लोजर सब कुछ अवेलेबल है इनके पास। तो दिस इज अ कंप्लीट रेप्टाइल शॉप जहाँ पर आपको अंडर वन रूफ एट वन प्लेस रेप्टाइल्स मिलेंगी, बट रेप्टाइल्स के रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी। Whether you have to house them, whether you have to feed them, whether you have to keep them in proper best condition. So for further information, you can contact or WhatsApp on Karnataka Aquarium's official number. Thank you so much for watching and have a wonderful day ahead.